क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। लखनऊ में हजरतगंज के सुल्तानगंज इलाके में स्थित लेवाना होटल में आज सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। आग में झुलसे लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक होटल के अंदर से 20 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त टीम को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। होटल में आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो 2 लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में इस बात की एडवाइजरी अभी हम जारी कर रहे हैं, जितने भी इस प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी होटल्स हैं या जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है, लोग आते जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए हम एडवाइजरी जारी करेंगे और यदि कहीं इस प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो हम कड़ी कार्रवाई करने से नहीं है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है कौन है? अभी जिन 2 लोगों की मौत हुई है अभी हम तुरंत आपको नाम बता रहे हैं, लेकिन परिवारों तक सूचना जा रही है। डिस्चार्ज कर दिया गया है, 7 लोग अभी हॉस्पिटल में और 7 लोगों में किसी को बर्न इंजरी नहीं है, सिर्फ धुएं की वजह से प्रॉब्लम है। खतरे से बाहर वेंटिलेशन की स्थिति नहीं दिख रही थी। हाँ, वेंटिलेशन की स्थिति यहाँ पर प्रथम दृष्टया पुअर प्रतीत हो रही है। इसमें जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, पूर्व में भी विकास पार्टी की तरफ से इस पर नोटिस दिया गया था, जो ऋतु सुहासपुर जो पदाधिकारी थे उन्होंने सख्त कार्रवाई होगी। क्या है लग रहा है? नहीं, ये तो पूरा डिटेल एग्जाम से करने के बाद बताया जाएगा, लेकिन ब्रॉड डेट है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर वाजपेयी हूँ, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ लखनऊ डिवीजन। आग किस तरह से लगी थी इस बारे में तो कोई कमेंट करना मुश्किल है, तो फायर डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। लेकिन हम लोगों को जैसे ही खबर मिली कि आग लगी है, हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर अपने एम्बुलेंसेज और पैरामेडिकल्स और चिकित्सक तैनात कर दिए थे, जिसे मौके पे किसी को इलाज करना हो तो हम लोग तुरंत इलाज दे सकें और यदि किसी को शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट कर सकें। सुबह ही हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, आपने देखा होगा साइट के ऊपर बलरामपुर हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं, सिविल हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं और ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा 108 और ALS एम्बुलेंसेज भी हमारी डिप्लॉयड हैं। मैं पैरामेडिकल और चिकित्सा कर्मियों के यहाँ पे अभी सिविल में भर्ती हो रही हैं और सबका इलाज पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन देख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीएम योगी ने खुद जाके मुआयना किया और पीड़ितों का हालचाल लिया। वहीं विजय पाठक, डिप्टी सीएम हमारे विजय पाठक भी वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी मरीजों का हालचाल लिया, परिवारजनों को सांत्वना दी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ हजरतगंज इलाके में लेवाना स्वीट्स आज सोमवार भीषण आग लग गई। होटल लेवाना में लगी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। वहां पे खिड़कियों के कांच से शीशे तोड़े गए, जिसके बाद अंदर जाके प्रवेश किया गया, जहां पर धुएं से भरे क्षेत्र वहां पे पानी का तेज़ बहाव से उसको भी शांत किया, आग बुझाई गई। उसके बाद में जो लाशें थीं या जो लोग थे उनको भी जान बचाने का पूरा रिस्को जारी रहा, जिसमें अब तक 4 से 5 लोगों की मरने की खबर आ चुकी है। अभी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, संयुक्त कमेटी की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक भी घायलों का हालचाल लेने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे थे आज, कहा कि मामले की जाँच की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार सोमवार से ही
सुबह 7:30 बजे हजरतगंज के सुल्तानगंज इलाके में स्थित लिवाना होटल में भीषण आग लग गई थी। आग में झुलसते लोगों को सिविल अस्पताल में भेजा गया। अभी भी होटल के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ लोगों को बचाने का प्रयास भी हुआ है और सिविल हॉस्पिटल में लगातार उनकी इलाज चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु सीधे सिविल अस्पताल से जुड़े हैं। विभांशु, इस समय की ताज़ा खबर क्या वहां से आ रही है? आप खुद वहां पे मौजूद हैं इस समय सिविल अस्पताल में, क्या नज़ारा है और क्या वहां पे आपको देखने को मिला? जी बलीस, अगर बात करें तो लखनऊ का ये सिविल अस्पताल अभी देखे तो गमगीन है, क्योंकि जो मृतक है, जो चार मृतकों की अभी तक नाम सामने आया है, जिसमें एक मंगेतर है और साथ ही साथ उनके हाल ही में शादी होने वाली थी, जिसमें बॉबी कुरम नगर के एक लड़का है, साथ ही साथ साहिबा महिला है जो मृतक है, साथ ही साथ गुरनीर है। और आपके बताए थे चार जो मृतक है उनके परिजन धीरे धीरे अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनको डेड बॉडी को देख कर वो बिलख रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया है और कहा है कि मंडलायुक्त और साथ ही साथ लखनऊ के कमिश्नर की संयुक्त टीमें इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही अगर ताजा जानकारी की बात करें तो सुल्तानगंज स्थित लिनेज होटल को पूरी तरह से सील करके और फोरेंसिक टीम को लगाया गया है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने का कारण क्या था। साथ ही साथ जो अग्निशमन विभाग है उसकी तरफ से तमाम नियमावली जारी की गई थी कि को लेकर नॉर्म्स है वो नॉर्म्स कितने पूरे हैं। साथ ही साथ वहाँ जो बहु इमारती मंजिल है उसमें ये आदेश आया था कि आपको वहाँ वाटर स्टोरेज रखना है, तो वाटर स्टोरेज की भी वहाँ वाटर स्टोरेज नहीं मिला है, जिसको लेकर प्रशासन अपना कड़ा रुख लिनेज होटल प्रशासन से कर सकता है। वही अगर बात की जाए तो सोचने वाली बात बनी ये है कि जब 7:30 बजे आग लगती है और 8 बजे होटल प्रशासन को जुमे का गुब्बारा से ये प्रतीत होता है कि आग लगी है, तो कहीं ना कहीं जो अलार्म था वो पूरी तरह से फेल हुआ है। साथ ही साथ जो वाटर स्प्रे करने की व्यवस्था बनाई जाती है कि अगर आग लगे तो ऐसे समयों में वाटर स्प्रे करके और आग पे काबू पाया जा सके, इसको पूरी तरह से होटल प्रशासन फेल हुआ है। अब इसकी जांच मंडलायुक्त और लखनऊ के एसपीपी कर रहे हैं, वहीं फोरेंसिक टीम होटल को सील करके और जांच कर रही है, आग लगने का कारण पता लगा रही है। वहीं अगर मनीष, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ठीक सामने मॉर्चरी है जहां डेड बॉडी रखी गई है और धीरे धीरे परिजन वहां आ रहे हैं और अपने जो डेड बॉडी है सिविल अस्पताल प्रशासन है वो डेड बॉडी को सुपुर्द कर रहा है। वहीं आपको दिखाएं कि अंदर, मैं आपको सहयोगी से कहूंगा कि अंदर दिखाएं, आप अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ परिजनों की भीड़ लगी है। खास तौर से अगर देखा जाए तो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन अभी गमगीन है। मैं आगे चल के आपको दिखाना चाहूंगा कि मॉर्चरी के ठीक बाहर सैकड़ों की संख्या में जो मृतक है उनके जो परिजन है, साथ ही साथ उनके रिश्तेदार है और रोने और बिलख रहे हैं कि और उनकी साफ तौर पे उनका कहना है कि आखिर इस जो कारण है वो पता लगाकर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात की जाए तो ये कारनामे है, जब ये कांड हुआ, अग्निकांड हुआ जो सुबह से ही चर्चा में है, साथ ही साथ प्रदेश भर को हिला दिया है ये, इसमें अगर देखा जाए तो लखनऊ में जो आग लगी उसमें आमतौर पर जो फायर सेफ्टी के फायर फाइटर थे उनके भी घायल होने की सूचना है, जिसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो आज जब आग लगती है तो वहाँ मौके पर 15 दमकल की टीमें भेजी जाती है, जिसके ठीक बाद 15 दमकल टीमों के साथ ही साथ ऐसे कई वहाँ पुलिस के बल भी मौजूद होते हैं जो मौकों की स्थिति पर काबू लाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 15 दमकल की टीम पूरे दम लगाकर आग पे काबू पाती है। वही अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो होटल प्रशासन उसके भी सवाल की भेड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद नहीं थे। वही आपको बताएं कि जब जी मनीष विवांशु, जैसा भी आपने बताया कि 7:30 बजे के आसपास आग लगी थी, तो आग लगने से 1-1.5 घंटे बाद मुझे लगता है कि ये फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पे पहुंची है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होटल लिवाइस स्वीट्स का ये था कि उनके पास जो अपने मानक थे उस मानकों के अकॉर्डिंग भी उन्होंने चीज़ों को पूरी तरह से इंतज़ाम उनके प्रॉपर नहीं थे, जिसकी वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था की जो भी इनकी मानक बनाए जाते हैं कि भाई अगर आग लगती है ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि तुरंत ही उसको काबू पाने के लिए मशीनरी उनके पास तैनात होती है, वो मशीनरी प्रॉपर नहीं थी वहाँ पर, जैसा कि देखने को मिलता है। 1-1.5 घंटे में उस आग ने विकराल रूप जाहिर सी बात धारण कर लिया होगा। जैसे जानकारी मिला कि 30 कमरे थे जिसमें से 18 कमरे बुक थे
और उसमें कम 30 से 45 लोग के आसपास के लोग थे वहाँ पर, जिसमें से कि 5 लोगों की तो डेथ की सूचना अभी आई रही है कि 5 लोग डेथ हो चुकी है, बाकी 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस समय घायल हैं और उनका इलाज जारी है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं होटल की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिलती है? एलडीए ने भी इनको नोटिस जारी किया था, वो भी अभी उन्होंने संज्ञान में दिया कि 3-4 दिन पहले हमने नोटिस दिया था, तो क्या ये नोटिस अब इन्हीं को याद आया कि नोटिस अभी दिया गया था और अब ये बात कर रहे हैं कि हम इसमें कंटिन्यू जो है जांच बैठाएंगे, उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि मानक बनाए जाएंगे, अस्पतालों का निरीक्षण और जाँचें होंगी और होटलों की जाँचें होंगी, ये सब चीज़ें पहले नहीं देखी जा सकती थी क्या? इसमें जब दुर्घटना हो जाती तभी लोगों को याद आता है कि ऐसी जाँचें की जरूरत है। जी बिल्कुल मनीष, कहीं ना कहीं जो होटल प्रशासन है उसके मापदंडों और नॉर्म्स जो अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर सेफ्टी एनुअल की जाती है वो भी उनके खिलाफ एक बनता है, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि इस होटल को जब उनके पास जब वाटर स्टोरेज नहीं है और साथ ही साथ फायर सेफ्टी के कोई किट नहीं मौजूद है तो उन्हें एनओसी कैसे दी गई? ये एक पुराना होटल है लखनऊ का जो की प्रसिद्ध है राजधानी लखनऊ में, और सवाल जो यहाँ के अग्निशमन विभाग है उसमें भी सवाल के घेरे खड़े होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आखिर उसे एनओसी कैसे दी गई। वही आपको बताए मनीष की कहीं ना कहीं जो होटल प्रशासन है उस पर फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है जिसमें ये साफ हो पाएगा कि आग लगने का कारण क्या था। वही मनीष जी अगर बात की जाए तो जब आग लगती है तो वहाँ लगभग आधे घंटे के अंदर दमकल की 15 टीमें और दर्जनों की संख्या में जो फायर फाइटर है वो मौजूद रहते हैं और पूरी तरह से आग पे काबू पा लेते हैं, और आग के पे काबू पाने के दौरान लगभग 4 जो फायर फाइटर है उसके भी घायल होने की सूचना है। और वहीं अगर बात करें तो लगभग 30 कमरे के होटल में 18 कमरे बुक थे और लगभग 10 लोग घायल हैं, और मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 लोग अब तक उनकी कैजुअल डेथ हो गई है, और ब्रॉड डेथ की बात करें तो मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले को तह तक जाकर और जांच करें और आरोपियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं होटल प्रशासन के जो तमाम नॉर्म्स हैं उसको वो पूरा नहीं किया था, और साथ ही क्या समय समय पर वो जो फायर सेफ्टी किट होते हैं उसका सुचारू ढंग से वो उसे जांच करवा रहा था या नहीं, ये सब चीजें सवाल के घेरे खड़ा करते हैं। वही आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश की बीडी हेल्थ है लीली सिंह वो भी मौके पर आकर और जो सिविल अस्पताल के प्रशासन है उनको निर्देश अपनी तरफ से दिया गया है कि जो जो भी घायल है उनका सुचारू ढंग से इलाज किया जाए। वहीं आप धीरे धीरे देखें तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं मनीष की जो जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती आ रही है, अब तक 4 लोग यहाँ आए हुए थे, 4 फायर कर्मी घायल हुए थे, मगर अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1 कर्मचारी और आए हैं, और मैं अपने सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो फायर सेफ्टी के जवान है उनको लेकर आई है और उनका भी इलाज यहाँ चल रहा है। जी मनीष, हिमांशु अभी जानकारी ये भी दी गई कि पूरे होटल को सील कर दिया गया है और जो होटल के ओनर हैं उन पे अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है, क्या पूछताछ कुछ हुई है उनसे भी, कोई जानकारी आपके पास? जी मनीष, आपको बता दें कि मेरी जानकारी के अनुसार होटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट वहाँ आग लगने के कारण को जांच रहे हैं, साथ ही साथ आपको बताएं कि अब जो होटल के ओनर हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर भी अगर देखें तो जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश आए हैं कि इस पे पूरे मामले को तह तक जांच और जांच किया जाए, जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी, तो अब ये पूरी जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये कहना साफ होगा कि क्या कार्रवाई की गई। और वहीं अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ ये मामला होता है उसके बाद उत्तर प्रदेश देश के रक्षा मंत्री साथ साथ लखनऊ के सांसद ने भी ट्वीट करके संवेदना जाहिर की है, और आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आए थे, तो उनकी तरफ से भी ये सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर जो प्रशासन है वो कैसे इस बहु इमारत होटल को कैसे एनओसी दी गई जब उसके पास अग्निशमन विभाग के जो नॉर्म्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं थे, साथ ही साथ ऐसे कई सारे जो किट होते हैं जो आग बुझाने के काम आते हैं वो मौके पर नहीं पाया गया है। साथ ही आपको बताएं कि जहां एक तरफ फायर फाइटर और दूसरी तरफ जो वहां ठहरने वाले अतिथि थे उनके घायल और मृत की मामला सामने आया है, तो ठीक वहीं होटल के कर्मचारियों में से भी लोग घायल हुए हैं। अगर बात की जाए तो होटल के 2 कर्मचारी भी अभी सिविल अस्पताल में एडमिट हैं जिनका इलाज हो रहा है,
और वहीं अगर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और इससे वो आ रहे हैं जो जाबाज जो आज आग बुझाने का काम किए हैं। वहीं अगर बताया तो आज मौके पर पहुंचकर सूबे के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिवाना होटल पहुंचकर वहां की जो मामले हैं पूरी तरह से उसको देखे हैं और वहां का निरीक्षण किए हैं और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं कि आगे की विधिवत कार्रवाई की जाए और दोषियों को उनकी तरफ से कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी प्लीज विवांशु, इस समय आप सिविल अस्पताल में मौजूद हैं तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कितने मरीज आ चुके हैं वहाँ पर अब तक, कुछ आइडिया? अगर बात की जाए तो जो 18 अतिथि यहाँ रुके थे उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी के 10 लोग यहाँ इलाज उनका घायल है, उनका इलाज हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक लगभग 5 फायर फाइटरों के भी घायल होने की सूचना है, उन्हें यहाँ लाया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग मृत हैं उनके परिजन यहाँ मौके पर पहुंचकर अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। ठीक सामने मॉर्चरी है जहाँ जो कैजुअलिटी हुई है उनके डेड बॉडी को रखा गया है और अब पीएम के लिए भेजा जाएगा। पीएम के बाद जब उनके मौत का कारण पोस्टमार्टम में भी निकल कर सामने आएगा तो उसके ठीक बाद इनकी डेड बॉडी को उनके परिजनों को रिलीज किया जाएगा। मगर मनीष, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज ये उत्तर प्रदेश को झला देने वाली खबर है क्योंकि एक राजधानी लखनऊ में एक सुप्रसिद्ध अस्पताल के अंदर में इस तरह का हादसा होता है जो पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में सुर्खियों में है। क्योंकि देखा जाए तो जहाँ एक तरफ प्रशासन की जो पुलिस की तमाम वाहिनी है उसके चुस्त और कड़ाई की बात दावे किए जाते हैं कि वहाँ सही ढंग से काम हो रहा है, मगर पुलिस की एक वाहिनी फायर ब्रिगेड जो कि एनओसी देती है होटलों को, साथ ही साथ अभी हाल ही के महीनों में अग्निशमन दिवस मनाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो भी संस्थान होंगे या ऐसे प्रतिष्ठान होंगे उन सब जगहों पर जो मापदंड है उसके आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद जांच में क्या निकल के आता है और क्या कार्रवाई की जाएगी। जी विभांशु, आपको बता दें कि 2018 में भी नाका में ऐसा कोई अग्निकांड हुआ था जिसमें 19 से 18 लोग अधिकारी, एलडीए के अधिकारी जो है उन पर जांच बैठी थी जिसमें अभी भी शायद 2 लोगों पर ही शायद कुछ कार्रवाई हो पाई है फिलहाल। अब क्या अगर एनओसी को लेकर बात करें तो इन पे बहुत से इनके खिलाफ चीज़ें निकली हैं तो ऐसे तो बहुत से होटल बने हुए हैं, बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं जो बिना जिनकी एनओसी भी पास नहीं होगी। आपको क्या लगता है अगर मानक अगर सर्च किया जाए, जांच की जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई फुलफिल कर पाएगा इन सब चीजों को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पे अग्नि जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको सतर्कता के साथ जो भी प्रतिष्ठान है या स्कूल है हॉस्पिटल है उन पे पूरी कड़ाई के साथ उनका अग्निशमन जो सर्टिफिकेट होता है एनओसी होता है उसकी जांच करके कि ऐसी घटनाएं फिर ना दोहराई जाए। क्योंकि अगर देखें तो इसमें साफ तौर से जो अभी लापरवाही जो घटी है हॉस्पिटल होटल की तरफ से जिसमें उनके पास ना ही पानी की स्टोरेज थी, ना ही स्प्रे की जो मशीन लगी होती है सीलिंग में वो थी, ना ही वहाँ पे आग बुझाने के कुछ ऐसे यंत्र जो अग्निशमन विभाग की तरफ से कहा जाता है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कि प्रतिष्ठानों के अंदर में रहे, तो ये सब नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं होटल पे गाज गिरते हुए नजर आ रही है, फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है और आग लगने का कारण को पता लगा रही है। अब वो जांच के बाद कहना साफ होगा कि आखिर इस आग किस वजह से लगी और गलती किसकी थी। मगर अगर बात की जाए तो जो मृतका है साहिबा कौर उनके परिजनों का यहाँ ताता लगा हुआ है और कुछ ही दिन पहले इनकी सगाई हुई थी और ये अपने मंगेतर के साथ इसी होटल में रात में पार्टी थी तो वहाँ स्टे की थी। मगर आग लगने की वजह से ये दोनों जिनकी जो दोनों एक दूसरे के बंधन में शादी के बंधन में बंधने वाले थे वो शादी के पहले ही वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो सज्जन है उनके अंदर एक यहाँ रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और खास तौर पर इसके चेहरे पर कार्रवाई की तरफ से कहा जाए कि कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई की तौर पर क्या होता है। जी मनीष, और वहीं अगर बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 8 मरीजों के नाम सामने आए हैं जो मेडिकल बुलेटिन जो सिविल अस्पताल है उसकी तरफ से 8 लोगों के नाम को अभी सामने रखा गया। जो मेडिकल बुलेटिन अभी 2 बजे के करीब आया है उसमें बताया जा रहा है कि होटल लिवाना के
एसएस में रुकने वाले लोग जिनको कैजुअलिटी हुई है साथ ही साथ घायल है उसमें श्रवण कुमार, राजकुमार, कुमारी मोना, अंश कौशिक, श्रीमती कामले, श्री चंदेश, श्री आनंद उपाध्याय, श्री प्रदीप मौर्य, क्योंकि ये सभी व्यक्ति आज इस पूरे अग्निकांड का शिकार बने हैं और बाकी आगे के नाम आ रहे हैं। और वही अगर बात की जाए तो अब तक चार मृतकों की पहचान हो चुकी है और कुछ लोगों की हालत भी खराब है। वहीं अगर बात की जाए तो कुछ एक दिल्ली की व्यापारी है जो यहाँ अपने व्यापार को लेकर आई हुई थी, वो भी इस अग्निकांड का शिकार हुई है। और आपको बताएं कि मौके पर जब आग लगती है तो दो लोगों की कैजुअलिटी होती है, ब्रॉट डेथ होती है, यानी कि मौके पर मौत हो जाती है, और दो लोगों की अस्पताल के अंदर में मौत होती है। और अब कहीं ना कहीं जहां सुबह से ही पूरे मामले को लेकर और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, साथ ही साथ स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी, आला अधिकारी, ये सभी इस मामले को लेकर और जांच हो रही है और कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक कार्रवाई की जाती है। जैसे आपने बताया कि कुछ दिन पहले लखनऊ के अंदर में एक हादसा हुआ था जिसमें ऐसे कई सारे अधिकारी सम्मिलित थे जो जांच कर रहे थे, मगर कार्रवाई के नाम पर महज दो लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि दो लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी, तो क्या इस बार जो जांच की टीम बनाई गई है उस जांच की टीम तो पूरी सक्रियता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोषी जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब बात करें तो सीएम पूरी तरह से सख्त रहे हैं और इस मामले को लेकर और आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि कमिश्नर लखनऊ के डिवीजन और पुलिस कमिश्नर लखनऊ की संयुक्त रूप से होटल में आग लगने की जांच करेंगे और सभी घायलों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। और मनीष, बड़ा सवाल ये भी है कि जो कैजुअलिटी हुई है इसमें सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता राशि दी जाती है मृतकों के परिवारों को और जो घायल है? जी मनीष, सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ और बिजेश पाठक, डिप्टी सीएम बिजेश पाठक ने खुद ये कहा है कि इसका इलाज का जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वहन करेगी। फिलहाल मैं ये भी थोड़ा विभांशु आपसे जानना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ जो यहाँ पे जहाँ इसकी दूरी कितनी है, इनको पहुँचने में कितना समय लगता होगा? मुझे तो लगता है अंदाजा 10 से 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, जो 1-1.5 घंटे का समय लग गया। जी बिल्कुल, अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये सुबह का वक्त था। अब लखनऊ तो जाम की समस्या से जूझ रहा है, मगर अगर बात की जाए तो सुबह जो 8 बजे के करीब ये मामला सामने आता है और जानकारी जो स्थानीय नागरिक है उनके मुताबिक 7:30 बजे 7:40 के करीब आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं जो फायर डिपार्टमेंट है वो उसकी चूक है, क्योंकि वो मौके पर पहुँच कर शुरुआत के अंदर में दमकल की जो टीमें हैं वो आई और उसके बाद मौके पर काबू पाते पाते कहीं ना कहीं उन्हें समय लग गया। और इसका एक वजह ये भी था मनीष, क्योंकि उस जो निवन्ना होटल है उसके साफ तौर से उसमें जो सीढ़ियों की व्यवस्था थी वो अगर देखा जाए तो स्पैनिक समय में वक्त लगता है, क्योंकि अगर देखें तो पहले जो कांच के शीशे थे उसे तोड़ा गया, ठीक उसके बाद जो लोहे की ग्रिल लगे थे उसको काट कर और वहाँ अस्थायी रूप से सीढ़ियों को लगाकर और हाइड्रोलिक करके और लोगों को बाहर निकाला गया और मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपयोग किया गया है, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाकर और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो पूरी तरह से देखे तो अपने साहस और शौर्य का चर्चा दिया है, क्योंकि उनकी इस मेहनत की वजह से जो आज दर्जनों लोग फंसे थे उसमें से जो लोग बचे हैं उनके बहुत बड़ा योगदान है इन फायर कर्मचारियों का, फायर फाइटरों का, और कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने जान को जोखिम में लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ पे बांध कर और इस जलती आग के अंदर में घुस के लोगों की जान को बचाए हैं। और देखा जाए तो 4 से 5 जो फायर फाइटर हैं उनके भी घायल होने की सूचना है, तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को इससे उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए और उनकी जो ये काम है वो काबिल तारीफ है। जी मनीष जी, वहाँ से उस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप आगे भी अपडेट इसकी नज़र बराबर बनाए रखिएगा कि क्या आगे का स्टेप हो रहा है इसमें। फिलहाल लेवाना अग्निकांड को लेकर एक बड़ा ये दुखद मंजर आपको देखने को मिला और इस पर प्रशासन अपनी तरह से पूरा मुस्तैद है, फायर फाइटर भी अपनी तरह से पूरे मुस्तैद रहे, 4 लोगों की जाने भी गई इसमें और 10 से 12 लोगों का इलाज या 18 लोगों का इलाज उसमें अभी चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, उम्मीद है वो भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
फिलहाल इसकी अपडेट हम आपको बराबर बनाते रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।